परम पूजनीय स्वामी जी महाराज, परम पूजनीय आचार्य जी के माध्यम से 5 साल 10 साल का 20 साल का जो कमर दर्द ठीक हो जाता है, कैसे ठीक होता है आपको जानता है। ये वाला रीढ़ का हड्डी लंबा वाला दर्द है, आप क्या करोगे, ऐसे सीधा सोने के बाद दोनों पैर को होल्डिंग करो, एड़ी पंजो और घुटना तीनों बराबर रहेगा। जिनका दर्द है उनसे 20 किलो या 15 किलो वेट वाले व्यक्ति उनका सामने से खड़े होंगे। जिनका दर्द है वो पहले सांस को भर लेगा, आप इसको मिला लो भाई जी, एड़ी मिला नहीं, पहले सांस को भर लेगा, बर्नर अंदर रखेगा। बाकी उनसे ज्यादा जो वेट ज्यादा है 15-20 किलो वेट है, उन्हें क्या करेंगे, दोनों घुटने को पकड़ के छाती में लगा के छोड़ देंगे, इतना ही काम है। लेकिन ये घुटने बीच में लगना चाहिए, जो जी साइड में लगेगा तो उनका दर्द बढ़ जाएगा, इसलिए साइड में लगे फिर बीच में ही लगाना है, चाहे एक बार में होगा 2-3 बार में लग जाएगा। तो अब अभी हम शुरुआत करते हैं, पहले आप इनको देखिए, पहले भाई सांस ले लीजिए, ले लिए ना, अभी सांस ले लीजिए, ले लिए भाई जी, आप छाती में लगा के छोड़ दीजिए, धीरे धीरे लीजिए, धक्का नहीं मारेंगे, छाती में लगा के छोड़ देना है, हाँ फिर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, फिर और एक बार सांस भर लीजिए, अब आराम लग रहा है ना, आराम लग रहा है भाई जी, लीजिए फिर सांस भरिए, सांस ले लीजिए, अंदर रहेगा, सांस छोड़ना था, छाती में लगा के छोड़ देना है, लगा के छोड़ दीजिए, छाती में लगा नहीं, अब लगेगा, उनका लगेगा ना, अब लगा दीजिए छाती में, आपका लगेगा और छाती में, सांस भर लीजिए, बोलिए ना, लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए, छोड़िए, आप लगेगा, अंदर जाएगा, इधर जाएगा, लगेगा, ये लगाएंगे, अब डरिए मत, लगा के छोड़िए, सांस लेते छोड़िए, लेकिन धक्का नहीं लगाएंगे, पहले सांस को भर लीजिए भाई जी, लगाई, छोड़ दीजिए, आप भी छोड़ दीजिए, आपका लगा, आप लगेगा, बस आप अभी बाएं कर उठिए, आप लगे बाएं कर उठिए, बाएं कर उठिए, अभी झुक के बैठ के देखिए ना आपका कमर कैसे लग रहा है, झुक के बैठ के उनके लेट के जंपिंग मार के आप सभी स्थिति में देख लीजिए, आप भी बाबू जी देख लीजिए आपका कमर कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, आपका घुट दर्द है जी, आपका नाम क्या है, उठिए भाई जी, नाम क्या है, मल्लारी सावन के, कहाँ से है भाई जी, कितना दिन से दर्द था, 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी और दर्द है, चलो तो स्वामी जी महाराज का इसका कृपा से 5 साल 10 साल का दर्द भी ऐसे करेंगे ठीक हो जाएगा, ठीक है, धन्यवाद। आपका बाबू जी नाम, हाँ कितना पुरुषोत्तम जी, घर कहाँ है, घर महेंद्रगी, अच्छा कितना साल से दर्द था, 2 साल से, अभी और दर्द है, कैसे लेगा, कैसे ठीक है, कितना साल से दर्द था, नाम क्या है, संजय सूर्यवंशी, कहाँ से हो, नांदेड़, आवाज 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 तोड़ लगा, नांदेड़ से, इसी तरह बाबू आपको जो अभी क्या गया इसी प्रकार कितना साल से दर्द ठीक हुआ, मेरा 10 साल से, नाम क्या बाबू जी, मसलिंग कर लप्पा मठ, अच्छा मैं लातूर से आया, लातूर से आया हैं, अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका ऐसे जो अभी क्या पवन मुक्ता आसन से अंतक मुख साथ कैसे लगा, अच्छा, कमर दर्द, अच्छा, कितना साल से दर्द था, एक साल से, और अभी ये माता जी को भी ठीक है, माता जी आपका नाम क्या है, श्रीमती अंचला तेहरा, मुझे 10 साल से दर्द था, ठीक लगा, अभी ठीक लगा, आपका माता जी कितना साल से दर्द था, ये जो 1 वर्ष का है, अनुसार वैसे अभी ठीक है, आपका बहन जी, मैं उज्ज्वला गोखले, 5 साल का दर्द था, आप ठीक हो, ठीक हूँ, आपका कितना साल से दर्द था, ठीक है, 7 साल से, अभी ठीक है, तो पवन मुक्त आसन करने से इसी प्रकार सांस भर के दोनों घुटन लगाने से जो अमेरिका से लेके एम्स हॉस्पिटल तक बड़ा बड़ा डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता था, बोल लेते हड्डी अलग हो गया, ब्लॉक आपका
ग्रीसिंग खत्म हो गया, गैप्स हो गया, गलत बात है। ऑक्सीजन कम के कारण जो दर्द कर रहा था ब्लॉकेज कारण, इसी कारण से ठीक हो जाता है। आप लोग जानकारी देने के लिए मुझे मौका दिया, इसलिए सभी को प्रणाम। छोड़ दीजिए, और दबेगा नहीं दबेगा, और दबेगा है क्या? अभी उठ जाइए, अब झुक के बैठ के देखिए, झुक के बैठ के देखिए कैसे लग रहा है। झुके ठीक, अभी ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। क्या नाम है आपका? उर्मिला बिरादर। उर्मिला बिरादर, उर्मिला बिरादर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? अकलगढ़ का। एक कमर तो कितना साल से था? 15-20 साल से। और रे 20 साल ऊपर है कि कम? 20 साल के ऊपर है। ऊपर है और पूरा 100% ठीक है। डॉक्टर लोग बोलते हैं हड्डी में गैप्स हो गया, L4-5 में गैप्स हो गया, 2-3 लाख लेंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले थे कि नहीं ऑपरेशन करना? आपको क्या बोले डॉक्टर, क्या बोले थे? बोले ऑपरेशन नको म्हणले होते, ऑपरेशन करना होता, आता पण कर म्हणले आम्ही नाही केलं। अच्छा, कितना पैसा आपल्याला ऑपरेशन के लिए? रक्का रक्का सर, पैसे पण त्यावेळेस नाही, आम्ही दाखवणी आता 20 वर्ष झालं, तरी अंदाज एक सांग। 20 साल हो गए यार, तुम्ही पूछता लेकिन ऑपरेशन नको, हमारा फॅमिली डॉक्टर था, ऑपरेशन मत करो म्हणला। तो ऑपरेशन डॉक्टर सुझा देते हैं, 2-3 लाख भी लेते हैं, इसे मल्टीनेशनल कंपनी के डॉक्टर को कमीशन जाता है। ये ऑक्सीजन का ट्रैक्शन दिया था, ऑक्सीजन नहीं जाने का कारण, पानी कम पीने का कारण, और बैठना उठना का जो लोग हम ये ठीक विधि से नहीं करते हैं, इसीलिए कमर दर्द होता है, बिस्तर से दबाव रहता है, ज़्यादा झुकना वाला चीज काम करते हैं, धक्का लगे कुछ चीज खींचते हैं बाहर चीज, तो इससे दर्द हो जाता है। लेकिन जो भी हो जाएगा इसी तरह करने से ठीक होता है। इसी प्रकार योगासन एक्यूपंक्चर हर दिन करना जरूरी है, ठीक होने के बाद जो भी दर्द होगा इसे कर लीजिएगा, ठीक है? तो आप सभी अभी आइए, प्रणाम। योगासन एक्यूपंक्चर द्वारा कैसे ठीक होता जानकारी ले लिया, इसलिए आपको सभी को धन्यवाद। ओम ओम। पीछे 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 चलो। नाम क्या है? अनिल भगवान कामरे। अनिल भगवान कामरे, कितना साल से दर्द था? 3 वर्ष हो गए। 3 साल से इनका पीछे दर्द था। इसी प्रकार ऋषि मुनि का स्वामी जी आता श्री योग माने ऋषि स्वामी जी महाराज और आयुर्वेद श्री मुनि आचार्य खोज के माध्यम से ठीक हो गया। भाई जी बस छोड़, अभी देखिए झुक के बाएं तरफ से माने छाती में लगाना लास्ट इनिंग है, पेट निकल तो नहीं लिखेगा, अभी झुक के देखिए। हां आदर दे नहीं, तो आपका 2 साल से बीमारी था, अभी पूरा रिलैक्स हो गया। हाँ, पूरा रिलैक्स का दर्द है कमर में, सभी का दर्द था। तो आप दबाइए, पहले सांस को भरेंगे, ये दोनों मिलाएंगे, ये दोनों मिलेगा। सांस भरने के बाद जिनका दर्द है उनसे 20-15 किलो वाला ऐसे हल्का दबा के रखो, दबाओ, सांस भरो, दबाओ, दबा के लगाओ लगाओ लगाओ, छोड़ दोगे इसे 3-4 बार करा दोगे, छाती में लग जाएगा तो छोड़ देना है, इसे ठीक हो जाता है। आपको अभी बाएं को उठ जाओ, आपका कमर दर्द ठीक हुआ? कितना साल से दर्द था? बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। 3 साल से। नाम क्या है? कौन सा गांव है? महाराष्ट्र से, जिला सोलापुर, तालुका अक्कलकोट। 3 साल से मुझे गांव, गांव का नाम अक्कलकोट नहीं, वार्ड कितना नंबर है? वार्ड 1 नंबर। 1 नंबर वार्ड। 3 साल से तो ठीक हुआ। अच्छा, आप लोग, आपका भी दर्द ठीक हुआ? नाम क्या है? शारदा। कितना साल का दर्द था? 3 साल का। 3 साल था, 3-4 बार में ठीक हो गया। आपका ये जोर से, कितना साल का दर्द था? मुझे 4 साल का दर्द था। 4 साल का दर्द था, अभी दर्द नहीं है? वो आपका ठीक हो नहीं है? अच्छा, आपका प्रतिमा कितना साल का दर्द था? 1 साल से। और दर्द है अभी कमर में? आपका 3 वर्ष से अभी ठीक है? नाम क्या है? आपका मित्रा कितना? 3 साल दर्द था, ठीक है। आपका 1 साल से। नाम क्या है आपका? 1 साल से। नाम तो आप लोग का भी ऐसे ठीक हुआ, तो इसी प्रकार अब झुक के देखिए ठीक है कि नहीं, सामने झुक के देखिए, झुक के देखिए ठीक है।
लगा छोड़ दो। हाँ माता जी आउट दबेगा नहीं तो आते उठ जाओ अभी मुड़ के लेट के देखो बाकी नोट रहता झुक के बैठ के देखो अदब नहीं है। क्या नाम है माता जी आपका? नाम क्या है? पार्वती। आपका गांव कहाँ है? अकलकोट। जिला? सोलापुर। कितना साल से दर्द था? दस साल से। फिर लगा दीजिए जोर से, जोर से लगा दीजिए जोर से छोड़ दीजिए। लग गया छाती में, उठ जाइए बाएं करवट से उठिए। अभी आप झुक के देखिए आपको कैसे लग रहा है, बैठ के झुक के देखिए आपको कैसे लग रहा है, उठिए देखिए आपका सभी स्थिति में जाके देखिए आपका कमर कैसे लग रहा है। आप ऐसे मोड़ के भी देखिए, बैठ के भी देखिए कैसे लग रहा है। नारी मुंह कोई दी कैसे लग रहा है भाई जी? आप दर्द है? नहीं है। आपका कितना साल से दर्द था? 12 महीने। आपका नाम क्या भाई जी? राजू। कहाँ से हैं? जालना की। तो इनका एक साल से दर्द था, अभी तक नहीं है ना दर्द, तो आप लोग 20-25 साल का दर्द भी इसी प्रकार एक बार में करके ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो भाई के लिए धन्यवाद, नमस्कार।